इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो रही हैं। दिल्ली में अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय घाट के पास सदैव अटल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही कई नेता सदैव अटल पर पहुंच अटल रहे बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा में हम आप सभी को सम्मिलित करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और आज इसी तरह के कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। दो पल भी नहीं, फिलहाल तस्वीरों में आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया। तो अटल जी की पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये दिल्ली के विजय घाट की तस्वीर है जहाँ पर प्रार्थना सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, तीसरी पुण्यतिथि अटल जी की, और उसी के मद्देनजर ये पूरा कार्यक्रम न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पधार चुके हैं। अटल जी की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं सकते। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वो 15 साल की उम्र में 1939 में आरएसएस से जुड़े और 1947 में उन्हें संघ प्रचारक के तौर पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। 1957 में पहली बार अटल जी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर 1977 में अटल जी को मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। इसके बाद 1996 का साल आया जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अटल जी की सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल पाई। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।